देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से है। आजमगढ़ में 7 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर शहर के ज्योति निकेतन स्कूल में पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण का कार्य बुधवार 23 फरवरी को शुरू हो गया। प्रशिक्षण 2 मार्च तक जारी रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी DM अमृत त्रिपाठी ने ज्योति निकेतन स्कूल पर प्रशिक्षण शुरू होने से पहले वहां जाकर सभी कक्षाओं में स्थिति का जायजा लिया। पीठासीन अधिकारियों से अब तक उनको जानकारी का ब्यौरा लिया। मॉक पोल टेस्ट कैसे करना है, VVPAT मशीन कैसे पकड़नी है, मतदान कैसे कराना है, जैसे कई तकनीकी सवालों को उनसे पूछा और जो भी कमी है उसको सुधार लेने को कहा। आजमगढ़ में करीब 18,000 कर्मचारियों की मतदान में ड्यूटी लगी है। पोलिंग पार्टियां भी बना दी गई हैं। इसके अलावा जनपद में जो भी अत्यंत बुजुर्ग, दिव्यांग, गंभीर कोविड पेशेंट व अन्य किसी समस्या से पीड़ित व्यक्ति अगर घर पर बैठे मतदान करना चाहते हैं तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की भी व्यवस्था इस बार की गई है। पोस्टल बैलेट के लिए प्रशिक्षण स्थल पर अलग से शिविर लगाया गया था। वहीं जो भी कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए आ रहे थे उनका कोरोना टेस्ट व वैक्सीन लगाने का काम भी जारी था। इस दौरान CDO आनंद प्रकाश शुक्ला समेत जनपद के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं DM अमृत त्रिपाठी ने प्रशिक्षण को लेकर क्या कहा। प्रशिक्षण शुरू हो रहा मतदान कर्मियों का, क्या है पूरा व्यवस्था? देखिए, आज से हमारा प्रशिक्षण विधानसभा वार्ड में शुरू हो रहा है, जिसमें सभी पोलिंग पार्टीज को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे VVPAT EVM चलाई जाती है और उनको जो जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, पोस्टल बैलेट की व्यवस्था भी उनके लिए उपलब्ध कराई गई है। सभी मास्टर ट्रेनर हर एक पोलिंग पार्टी की वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं, जिससे कि यह समझ में आया कि उनको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और बाद में हर सेशन में एक वीकेस्ट पोलिंग पार्टी भी चिन्हित की जा रही है और उन पोलिंग पार्टियों की मदद चुनाव के दिन वहां पे हमारे सेक्टर में से पहुंचकर उन पर विशेष ध्यान रखें। सर, कितने मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है? देखिए, मतदान कर्मियों की ड्यूटी जो टोटल हमारे पास 18,000 के आसपास लोग ट्रेनिंग में रहेंगे, तो उसमें रिजर्व भी शामिल। ठीक है।